एक आयत का क्षेत्रफल और उसका परिमाप कैसे निकालते हैं। आज हम एक और जो आकृति है हमारी उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये आप सभी देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है, कड़ा। मेरे हाथ में क्या है, कड़ा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं चूड़ी की तो उसकी भी आकृति कड़े जैसी ही होती है। और कैसी होती हो, बिल्कुल गोल। कैसी होती है, गोल। बिल्कुल गोल होती है, बिल्कुल गोल होती है। तो कड़ा चूड़ी इस तरह की आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त। क्या कहा जाता है उसको, वृत्त। वृत्त क्या कहा जाता है, वृत्त। और वृत्त के बीच में, बिल्कुल बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। जैसे कि इस वृत्त में इसके बीच में बिल्कुल ये बिंदु है, कहां पर है, बीच में, बिल्कुल बीच में बिंदु है। ना ये इस साइड में है, ना इस साइड में, ना ऊपर है, ना नीचे, बिल्कुल मध्य में है। इसको हम केंद्र कहते हैं और इसको हम ओ के द्वारा लिखते हैं। ओ के द्वारा हम इसको लिखते हैं। कई जगह पर आपको ये अ के द्वारा या क के द्वारा भी लिखा हुआ मिलेगा। एक वृत्त के अंदर केवल और केवल एक ही केंद्र होता है। एक वृत्त के अंदर केवल और केवल एक ही केंद्र होता है। दूसरी बात इसमें क्या होती है, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने ए लिखा है, इस बिंदु से ये मिल रहा है, ये केंद्र जो है इस रेखा के द्वारा, यहाँ देखो ये केंद्र जो है इस रेखा के द्वारा वृत्त को, ये वृत्त की परिधि है, इसको ए बिंदु पर ये मिल रहा है। तो ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक की जो दूरी बनेगी उसको हम वृत्त की क्या त्रिज्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या कहेंगे। और एक वृत्त के अंदर असंख्य त्रिज्याएं होती हैं। एक वृत्त के अंदर असंख्य त्रिज्याएं होती हैं। कैसे, जैसे OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG। इस तरह से हम वृत्त की त्रिज्या जो है और उसका क्षेत्र